नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद समर में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में आई TGT, PGT, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सिलेबस होगा आपको पिछले साल के जो एग्ज़ाम पेपर होंगे उससे एग्ज़ाम पेपर के आधार पर आपको ये सिलेबस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सिलेबस बताने से पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिक्रूटमेंट 2021, जिसमें कुल यहाँ पे देख पाएंगे 34,079 पदों के लिए कुल इसमें TGT PGT यानी कि टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो बात कर ले ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पोस्ट नेम प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT एंड TGT के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी इसमें कुल 3,479 पदों के लिए। वहीं आवेदन की बात करें तो इसका आवेदन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और इसमें आप 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने का जो माध्यम होगा केवल ऑफलाइन होगा, सॉरी दोस्तों ऑनलाइन होगा, अन्य किसी माध्यम से आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी की बात कर लें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रहने वाला है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया होने के बाद जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो ऑल इंडिया ओवर कहीं भी हो सकती है। वहीं दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें आपका चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स आप यहां पर चेक कर पाएंगे, सभी स्टेट की जो वैकेंसी डिटेल्स है यहां पर आप चेक कर पाएंगे। साथ ही बात कर लें इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जो इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लें हम EMRS यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल TGT PGT प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और दोस्तों इसी के आधार पर आपको इसके सिलेबस के भी बारे में डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि यहां पे देख पाएंगे दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल्स है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों बात कर लें ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो वो है एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल, पोस्ट नेम TGT PGT प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, कैटेगरी प्रीवियस ईयर पेपर होगा और इसी के आधार पर आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें बात कर ले आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात कर ले एग्जाम पैटर्न PGT की, तो इसमें जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे के लिए होगा, यानी कि जो इसमें आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे रहेगा। वही निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो दोस्तों इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग रखी है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। यदि आपका एक गलत उत्तर होता है जिसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। तो दोस्तों सिलेबस डिटेल्स की बात कर लें तो इसमें आप देख पाएंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए होगा। वहीं रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए रहेगा। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉरी दोस्तों हिंदी होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए और इंग्लिश होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। वहीं दोस्तों अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो आपका होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका होगा PGT से यानी कि टेक्निकल मेथड मैथोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएशन से होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के लिए और 0.25 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। वहीं बात करें TGT एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। वहीं इसमें जो होगा दोस्तों करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर एंड इंग्लिश होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर। और पार्ट बी होगा वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि टीचिंग मेथोलॉजी या फिर बीएड से होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए, यानी कि इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के लिए। वहीं दोस्तों
प्रिंसिपल एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके लिए भी 2 घंटे का समय होगा, इसमें भी आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। वहीं सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसमें जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर और इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए रहेंगे। वहीं दोस्तों बात कर ले पार्ट बी की, तो इसमें पार्ट बी आप देख पाएंगे राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019, राजस्थान सर्विस रूल्स, CCA रूल्स, GF and AR 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए होंगे। वहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडियोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट एट स्कूल लेवल, एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया से 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। तो इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। तो ये आपके दोस्तों सिलेबस रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले इसके सिलेबस डिटेल्स की, तो इसमें आप देख पाएंगे जनरल इंटेलिजेंस और जो रीजनिंग होगा इसमें यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के रीजनिंग होंगे, जिसमें आप देख पाएंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंस होगा, विजुअलाइजेशन होगा, विजिबल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन होगा, साथ ही अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही दोस्तों बात कर लें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें जो आप देख पाएंगे इसमें आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा, साथ ही दोस्तों इसमें आपका इन्वायरमेंटल से भी संबंधित जो आपके इन्वायरमेंटल होंगे उससे भी संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें आप देख पाएंगे द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबर्स कंट्री, यानी कि दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका स्पोर्ट्स होगा यानी कि खेल होंगे, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, कल्चर, जियोग्राफी यानी कि भूगोल होगा, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान एंड साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों ये आपके इसमें सिलेबस रहने वाले हैं। वहीं बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम होंगे, साथ ही होल्स नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क इत्यादि से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो या आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही इसके आवेदन करने का लिंक और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चाहे तो आप जाकर डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में आप देख पाएंगे सिनोनिम्स होगा, ऑनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड, आइडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये दोस्तों ये आपके क्लोज पैसेज, कंप्रेशन पैसेज इत्यादि से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में जो आपके प्रश्न होंगे दोस्तों वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप, शब्दों की स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को लिंग लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरे या इनका अर्थ, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी एवं पर्यायार्थी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं लोकोक्तियां, कहावतें और मुहावरे होंगे, संधि विच्छेद होगा, क्रिया से भावात्मक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों ये आपके पार्ट ए के प्रश्न रहने, जो पार्ट बी होगा आपका, जो सभी पोस्ट के लिए पार्ट बी होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों मैंने ये सिलेबस आपको इसलिए बताया है कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए, ताकि आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि दोस्तों इसका जो ये है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर इसका भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया है। ये जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर बताया है। यदि इसमें आपको कोई भी लगता है कि डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।